I wake up the moonlight. Insomnia, burning the candle at both ends. It's for like Hanukkah. Devil knocking like an old friend. I can't respond to her. All of my feelings is so gone. Used to have a crush on Monica. Everybody get your roll on. Dirty, dirty to the soul die. Bank account look stingy. In the red nigga bow tie. Slim and husky need that flat bread. Flat rates, guaranteed deposits. Never need nobody. All I really need is options. Tryna be cautious. I can't check in with the boss. Can't hit a clock. Straight out the block. I got a dream and it came with a watch. Wait. Hey, what's up? This is Samar. Welcome to my YouTube channel, Azakazmi Vlog. This is our camping location. Aur hum apna sara camp jo sara yahan se pack up kar chuke hain. Time baj gaye 7. 6 baje hum ud gaye the. Ab hum yahan se nikalne lage hain towards Gilgit. Pichle vlog mein tumne dekha hoga mera bike miss kar raha tha. Waise kal ke vlog tak hamara plan tha ki hum sirf Jalkant tak aayenge. Magar kyunki बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो फिर इसलिए हम आगे निकल आए। रात को मैं 10 बजे सोया था और सुबह मैं 6 बजे उठ गया, तो आंखें थोड़ी सी लाल हो सकती हैं, लेकिन एक्साइटमेंट पूरी है ब्रदर। Insomnia, burning the candle at both ends. It's for like Hanukkah. Devil knocking like an old friend. I can't respond to her. All of my feelings is so gone. Used to have a crush on Monica. एक एक सामान छोड़ के फिर वापस ऊपर आना पड़ रहा है। Vloggers life. इमरान भाई अपना सामान सारा लगा चुके हैं और मुझे अभी अपना सारा सामान लगाना है। तो so good so far. I wake up the moonlight. Insomnia, burning the candle at both ends. It's for like Hanukkah. Devil knocking like an old friend. I can't respond to her. All of my feelings is so gone. Used to have a crush on Monica. Everybody get your roll on. Dirty, dirty to the soul die. Bank account look stingy. In the red nigga bow tie. Slim and husky need that flat bread. Flat race. हाँ भाई, अभी का सीन ऐसा है कि हम खैबर गुलिस्तान पे रुके थे। यहाँ पर जो है ना, ये ट्रक अड्डा बहुत फेमस खाने हैं इसके, तो हम रुके थे। मगर वो नाश्ता इतना को अच्छा नहीं था, मगर दोपहर का खाना अगर कभी कोई यहाँ से गुजर रहा तो रोज खा के जाए। अब बस यहाँ से निकल रहे हैं, हमने वैसे खाया था मटन सालन और परा। तो अब बस यहाँ से निकल रहे हैं और आगे निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं गिलगित। इस वक्त राइट हैंड साइड, इस वक्त मेरे राइट हैंड साइड पर जो है वो बगरोड वैली है और बड़ी खूबसूरत वैली है ये। मतलब इतने जाइंट पहाड़ों के बीच में जब खूबसूरत सी वैलीज आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान कैसे रह रहा है यहाँ पे। और ये हार्डली को गिलगित से 12 किलोमीटर अवे है। और हुंजा की खासियत ये है कि इन्होंने टूरिस्ट के लिए ना जगह जगह साइन बोर्ड से लगाए हुए हैं। साइन बोर्ड्स हैं, इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स हैं, काफ़ी कुछ जो है वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं, फिर गाइड कर सकते हैं। ये सारी वैली जो है वो बगरोड वैली है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली। हुंजा गिलगित बल्तिस्तान की एक बात है, आप दिन रात किसी भी टाइम यहाँ सफर कर रहे हैं, इजी सीन है। गिलगित जाते हैं, वहाँ जाके जो है ना मुझे बाजार से दो काम है बहुत जरूरी किस्म के। एक तो ये कि मुझे इसका एयर फिल्टर चेंज कराना, चेन टाइट करा के ऑयलिंग करा के थोड़ी सी वॉश कराने का सोच रहा हूँ। Ask God why they killing us, he said it's hard to explain. I just really want the money, I never did want anything. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, time बज रहे हैं 9 और अभी का सीन ऐसा है कि जगलोड से 5 किलोमीटर पहले जो ब्रिज आता है उसके नीचे दरिया बह रहा है। आगे फिर दरिया ना हमें मिलता नहीं, तो हमने कहा यहाँ रुक के थोड़ी देर जो है ना हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि सुबह काफी देर से चल पड़े। ऑलमोस्ट हम जो है 70 किलोमीटर कवर कर चुके हैं वेरी फास्टली, तो हमने कहा थोड़ा सा ब्रेक किया जाए क्योंकि हमारी ज्यादा आज राइड है। यहाँ से ऑलमोस्ट गिलगित रह गया 54 किलोमीटर। अभी चलते हैं इमरान भाई से पूछते हैं, इमरान भाई को कैसा लगा ये व्यू देख के। Told you is make believe, 'cause I won't make you wonder if I'm real. Darling, wake up, I'll never believe. गिलगित हुंजा खुंजराब। गिलगित 11 किलोमीटर, हुंजा 92 किलोमीटर, खुंजराब 274 किलोमीटर। वो इतने बर्फ पोश पहाड़ और यहाँ फुल टाइड गर्मी। उधर जाएंगे तो दनोर, दन्योर, अगर सीधा जाएंगे तो गिलगित। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि रीफ्यूलिंग का टाइम आ गया है, टैंक्स कराएंगे यहाँ से फुल। टॉप द डे, मुझे यही नहीं पता कि आज फ्राइडे है और 12 12:30 का टाइम हो रहा होगा, तो इसीलिए दुकानें सारी बंद है। कोई छांव देखते हैं, वहाँ लगाते हैं, उसके बाद जो है ना डिसाइड करते हैं क्या करना है। Insomnia, burning the candle at both ends. It's for like Hanukkah. Devil knocking like an old friend. I can't respond. जब बादशाह सलामत कहते ना सर, तो वो उधर ट्रेन लगा के बैठता था और यहाँ से जब जाता था उधर किश्ती लगा के, किश्ती में बैठ के उधर जाता था। वहाँ से जो उनके जो गुलाम वगैरह है उनको उधर बिठा के उन्होंने लेके जाना आना उनका
मुलाजिम का काम था, बादशाह उधर पत्थर के पास होता है। यानी कि छुट्टियां मनाने आता था बादशाह? जी 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 जी। बेसिकली यहाँ पे गिलगित का बादशाह, गिलगित का बादशाह ना, गिलगित का बादशाह, गिलगित का बादशाह, ये इस ब्रिज के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे जो है ना वो छुट्टियां मनाने आता था, ऐसा ही है? जी जी सर। आपका क्या नाम है? गुलाम अली सर। गुलाम भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इस ब्रिज की खासियत ये है कि यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं आराम से, ओए, और हम लोग लोकल्स भी गुजर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना बिल्कुल इस जिस ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ उसके बिल्कुल नीचे जो है एक पत्थर है जहाँ पे गिलगित का बादशाह छुट्टियाँ मनाने आया करता था अपनी रानी को लेके। तो अच्छा लगा, मैं रुक गया यहाँ पे, और काफ़ी देर से फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं हुआ था, ये देख रहे हैं सनबर्न हो गया, चेक कर रहे हैं। सो गुड, सो ओके सर जी, लाफेस ओके भजन लाफेस। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि हम यहाँ रुके थे चाय शानी के लिए, तो यहाँ के कुछ लोकल के साथ इंट्रैक्शन हुआ और गिलगित एंटर हुए, और मैं गिलगित के मेहमान नवाजी, मेरे सनबर्न हुए हुए हाथ देखे हैं बंदे ने, तो ये जल गए थे, ये देखें ये सनबर्न। तो एक बंदे ने अपने ग्लव्स दे दिए, उसने हंटिंग के लिए रखे हुए थे, तो ग्लव्स की ग्रिप भी काफी अच्छी है। मतलब दिस इज द हॉस्पिटैलिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। मैं जब भी आया हूँ हमेशा यहाँ पे प्यार ही मिला। आगे के जो दो लड़के हैं इनकी एक अलहदा कहानी है, वो आपको कहीं रुक के बताएंगे। भाजन ये साइड पर लगी हुई है गंदम गुलगांव मॉल दे मिठे चौल, ये अंदर करके गिलगित में कुछ सीक्रेट लोकेशन है, हमें वहां लेके जा रहे हैं। अगर जगह अच्छी लगी, सेफ लगी, तो हम शायद रात को यहाँ कैंपिंग भी कर लें। और अर्तुगुल का इन्फ्लुएंस देखें, यहाँ तक पहुंच गया, वो अर्तुगुल का फ्लैग लगा हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, लुक एट द व्यू मैन, पानी देखें क्रिस्टल ब्लू, और ये गिलगित वाली इस साइड पर ही अनएक्सप्लोर्ड है, मुझे ख्याल से ही अनएक्सप्लोर्ड है। सीनियर बाइकर, मगर यूट्यूब के ऊपर इसके कोई वीडियो नहीं बनी हुई, तो आपके भाई ने बना देनी है। अनएक्सप्लोर्ड एरिया कारगा बुधा करके जगह का नाम है। This is the actual view, ladies and gentlemen, boys and girls. All right, ladies and gentlemen, boys and girls. अभी का सीन ऐसा है, the world dangerous bridge के ऊपर से गुजर के हम दूसरी साइड पर जा रहे हैं। The beautiful mountains, the beautiful people. नजारे भाई सही नजारे। हाँ भाई, इधर अभी ऐसा सीन है कि कारगा नाला पे आए हुए हैं, ये वापडा में मुलाजिम है, लेकिन इनके कर्स्तानियाँ देखे, इन्होंने क्या किया सर, ये क्या करने लगे, बताएं क्या आपके हाथों में? ये अभी मछली पकड़ने के लिए मैं इसको मछली वाला कांटा लगा रहा हूँ अंदर के रहा। ये मछली के लिए खुराक है, खुराक है। ये अफसर जान भाई हैं और वो हसनैन भाई हैं। हसनैन भाई हमें मिले थे शॉप के बाहर, तो वहाँ से ही हमें यहाँ ले आए हैं। ये आज हमें लाइव मछली पकड़ के दिखाएंगे कि कैसे लाइव मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ना भी एक आर्ट है और बहुत पेशेंस का काम है भाई, फुल फोकस करके मछली पकड़ रहा है, मैं चाह नहीं रहा ज़्यादा डिस्टर्ब करना। ऑलराइट जी, अभी का सीन ऐसा है कि जो मछली लेने वाले मछली पकड़ने वाले जान भाई थे वो चले गए यहाँ और काफी देर से वापस नहीं आए, तो हम अब उन्हें ढूंढने निकले। मेरे साथ हैं हसनैन भाई, और हसनैन भाई को लग रहा है कि वो वहाँ बैठे हुए, अब जाते हैं देखते। मैंने ऐसे देखा था, बंदा नजर तो आया, अब वो ही है कि नहीं है, वहाँ जाके पता चल। क्या लगता है, उन्होंने मछली पकड़ ली होगी कि नहीं? अल्लाह करे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये प्रोसेस शुरू हुआ था ऑलमोस्ट कोई 3:45 के करीब, और अब आधा घंटा ऊपर हो चुका है, और रास्ता चेक करें। अभी हमने खाया शहतूत और जबान की हालत देखे, वो है हमारा लड़का, ये रहा। हाँ भाई, कोई कामयाबी हुई? कोई बात नहीं। हाँ जान भाई, इतनी देर से गए हुए थे, क्या बना? बस कोशिश किया। कोई बात नहीं यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी ना कभी तो कुछ मिलेगा। कल 4-5 पकड़ ली, आज एक भी नहीं। ये आपकी किस्मत नहीं, हमारी पूरी किस्मत है। सो गुड, सो बाद। काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमारा जो है ना कुछ 4 घंटे यहाँ लग गए हैं, जस्ट चिल कर रहे थे, वो अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं। बे यार, इस बाइक को पीछे करना बड़ा साहब है यार। ऑल लाइन ले लिया जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, काफी देर स्पेंड करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स गिलगित बाजार। और मेरे सामने सो खड़ी है CRF 200 कस्टम पेड है ना, तो आए इलीगल चीजें नहीं हम चलाते। वो कितनी हाइट है यार इसकी, गियर कैसे है? ओ भैंस, क्या थ्रोटल है यार। इसकी यार वो आगे वाला मैं आगे वाले ब्रेक पे चला के लाया हूं, नीचे वाला लग ही नहीं रहा था। नीचे अभी नीचे नहीं आ गया, अभी लगा यार। शॉक्स बहुत आला है यार इसके। थैंक यू यार। कौन इधर से आए हो आप? लाहौर से। लाहौर से, हां। तो
बाइक पे नारान से, नारान से चले। ओके यार क्या बाइक था यार, ऐसे बाइक मुझे उसके चलाने के बाद ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है पता नहीं क्यों, मगर उसके शॉक्स बहुत तगड़े थे, जंपिंग वाले शॉक्स थे उसके। ओहो वो बना हुआ है बुद्धा कारवेस और ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स प्रेजेंटिंग यू आ बुद्धा स्टैचू माउंटेन के ऊपर, किसी ने बहुत कारीगरी से बनाया हुआ है, चेक कर रहे हैं आप द ब्यूटीफुल। यार गिलगित फर्स्ट टाइम आया और इतने डिटेल में फिर रहा हूँ, लकीली बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। और अभी का सीन ऐसा है कि बुद्धा कारवे के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ, सीन्स हो गए हैं यार, CRF चला गए और मज़ा आ गया यार, सो गुड सो फार। ऑलराइट जी, अभी का सीन ऐसा कि गिलगित में आ गए थे, रूम करा लिए, रूम मात्र पड़ा है 700 रुपए का। अब तो हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे और बाजार को एक्सप्लोर करेंगे। और लड़के नहा धो के स्मार्ट लग रहे हैं यार, मतलब 2 दिन के बाद नहाया हूँ मैं, लाहौर से निकला हूँ और अब नहा रहा हूँ। इमरान भाई हाउ इज योर फीलिंग मैन? 3 दिन के बाद हम लोगों ने जो है शावर्स लिए और अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स मूव टुवर्ड्स गिलगित बाजार, थोड़ा सा इसको वॉश कराएंगे, कुछ खाने पीने को देखेंगे, कुछ लोकल ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कैमरा कैरी किया टैंक टेल बैग में जो है ना, टफ है सारा के बाजार के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, ये वॉश वाला कहाँ मिलेगा जी? बाइक वॉश कार कार वॉश वाला कहाँ मिलेगा? आप इस तरह करो ना, हाँ जी हमारे होटल में ना, हाँ आप सीधा यहाँ से मेन चौक में जाके ना, हाँ हाँ थोड़ा सा आगे जाओ तो पहला पंप आएगा। जी जी पहला पंप, उस आगे नहीं जाना। ठीक हो गया, वो सही वॉश करते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वॉश कराना है यार, वॉश 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 करना है। गोश का मैंने क्या करना है? मुझे भी उधर लानी है। ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि हम होटल से निकल के जस्ट थोड़ा सा बाहर आए हैं तो यहाँ बाइक वॉश वाला पंप के पास ही मिल गया था, तो यहाँ से बाइक वॉश करा रहे हैं। बाइक वॉश कराने के बाद थोड़ा सा गिलगित बाजार को एक्सप्लोर करेंगे। नहाने के बाद जो सुकून मिला ना, वो मतलब जैसा हमें मिल रहा होगा वैसे ही बाइक को मिलने वाला है। सो गुड सो फार। Insomnia, burning the candle at both ends. It's for like Hanukkah. Devil knocking like an old friend. I can't respond to her. All of my feelings is so gone. Used to have a crush on Monica. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, अभी का सीन ऐसा है कि हम आए हैं गिलगित फूड यार्ड, यहाँ पे ट्राई करना है। सुबह से ढूंढ रहे थे मंतू, तो ये मुझे मोमोज टाइप लग रहे हैं या कचूरी टाइप अगर हमारी लोकल जबान में कहें तो, क्योंकि जो इसकी स्मेल है मुझे उससे लग रहा है कि कीमा शीमा है इसके अंदर, और सब्जियां या बंद गोभी की थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो कुछ इस किस्म की चीज़ है। ऐसे सर कुछ बताएं इसके बारे में क्या चीज़ है? प्याज और गोश्त होता है शाह साहब इसमें, प्याज और गोश्त होता है। अभी खाने के बाद बताता हूँ ये कैसा है। ऑल लाइन लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, स्टोरी टाइम बीच में रह गई थी, बात ये हुई, सीन ये हुआ था कि ये जो है ताकत भाई हमें मिले थे, इनके साथ हम नमाज़ पढ़ने चले गए, वहीं से थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो मैंने इनसे पूछा यार मंतू कहाँ पर मिलता, तो इन्होंने हमें स्पेशली हम मंतू खिलाया और हमारी मेहमान नवाजी की है। तो अब हम जा रहे हैं आगे, जो सदाकत हसनैन भाई जो हमें सुबह मिले थे उनकी दुकान पर, कुछ खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि मंतू खाने के बाद हमें जो है ना प्रॉपरली डिनर करना था, तो हम पहुंच गए जान भाई के पास, जो सुबह मछली पकड़ रहे थे मगर वो नहीं पकड़ी गई। अच्छा, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती क्या की कि इन्होंने हमसे वादा किया कि रात का खाना हम वहाँ खाएंगे, ठीक है, हम वहाँ गए तो कह रहे गोश्त खत्म हो गया, कब का लाना, मगर ये इनकी मोहब्बत है कि हमें यहाँ ले आए और अब यहाँ आके हमने गोश्त बनवाया है, तो ये लाइव सीन चल रहा है, मतलब रात के 9 बजे हम लोग गोश्त ले रहे हैं, अब इसके पास ये बनेगा और फिर खाया जाएगा। ऑल राइट गाइज, लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि रात के बज रहे हैं कुछ 10:30 और हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने, चेक कर रहे हैं आप आधी रात को। Insomnia, burning the candle at both ends. It's for like Hanukkah. Devil knocking like an old friend. I can't respond to her. All of my feelings is so gone. Used to have a crush on Monica. ऑलराइट जी, अभी का सीन ऐसा है कि यहाँ पे आए थे हम हसनैन भाई की शॉप पे, तो यहाँ पे रात के खाने का सीन था, इन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, तो कैसे मिस कर सकते थे, क्या मज़ा आया नीचे दरिया के किनारे जाके खाना खाया, क्या तिक्के बनाए थे दादा ने, वो ठंडी बोतल गरम रोटियाँ, मतलब सबको क्रेडिट चला गया। तो बस आज के लोग को बस यही खत्म करता है। आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टॉप वाचिंग स्टार्ट डूइंग, बूम बूम, हां ये यू सर।
इतने ज़्यादा इन्होंने मंगवा लिए, लेकिन हमसे पूछे बगैर